एसटीएफ नोएडा और खानपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। नोएडा एसटीएफ और बुलंदशहर की खानपुर पुलिस ने देर रात बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी भाग निकला। बुलंदशहर एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि रविवार देर रात एसटीएफ यूनिट गौतम बुद्ध नगर और थाना खानपुर पुलिस टीम संयुक्त ऑपरेशन में लगावटी से खानपुर जाने वाले रास्ते पर ढकरौली बम्बे के पास संदिग्ध वाहन की चेकिंग कर रही थी। उसी समय एक बाइक पर दो व्यक्ति सामने से आते हुए नजर आए। पुलिस से खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश को पुलिस की गोली जा लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जंगल की तरफ भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश की पहचान दीपक निवासी ग्राम पारपा थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ के रूप में हुई। उस पर विभिन्न थानों में विद्युत अधिनियम के कई मामले दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी पर खानपुर थाने से 25,000 का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है सीओ शाना भास्कर मिश्रा का। प्रदेश में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर खास से कि कुछ शातिर बदमाश जनपद बुलंदशहर के थाना खानपुर क्षेत्र में एक कोई संगीन वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस क्रम में एसटीएफ की टीम तथा थाना खानपुर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था ढकरौली प्याऊ के पास। चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध प्रतीत होती हुई बाइक आती हुई दिखाई दी तो उसे रोकने का प्रयास किया गया। रोकने के प्रयास में ये व्यक्ति जो बाइक पे थे, दो व्यक्ति बैठे थे, ये अपनी बाइक को लेकर भागने लगे। अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देख इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई तथा दूसरा व्यक्ति जो साथ में था वो पुलिस बल पर फायर करते हुए भागने में कामयाब हो गया। उसकी कॉम्बिंग की जा रही है तथा उसे पकड़ने के अथक प्रयास जारी हैं। जो घायल व्यक्ति है इसकी पहचान दीपक पुत्र सुंदर के रूप में हुई है। ये थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ का निवासी है तथा ये एक दुर्दांत किस्म का अपराधी है। अनेक जनपदों में, अनेक थानों में इसके ऊपर टोटल 23 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा ये सभी मुकदमों में अभी वांछित है। विगत कुछ दिनों पहले इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, अतः यह 25,000 रुपये का इनामिया भी है। जो घायल व्यक्ति है इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है तथा एक अदद नाजायज तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा दो जिंदा राउंड इसके पास से बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम तथा थाना कानपुर को आज एक विशेष सफलता प्राप्त हुई है। जो घायल व्यक्ति है इसको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।